नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक कैरियर में। चलिए दोस्तों, बात करेंगे आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स के उन 25,000 जवानों के बारे में जो कि दोस्तों बाहर कर दिए गए हैं, तो उनके विषय में क्या कहा है उत्तर प्रदेश के DGP ने। दोस्तों तो देख लेते हैं क्या उन्होंने कहा है। DGP बोले 25,000 होमगार्ड्स जवान जो है दोस्तों वो बेरोजगार नहीं होंगे, कुछ वक्त के लिए ड्यूटी खत्म। DGP OP सिंह ने कहा कि होमगार्ड हमारी सुरक्षा व्यवस्था का मजबूत स्तंभ हैं, वे किसी भी मायने में हमारे पुलिस के जवानों से कम नहीं हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश के 25,000 होमगार्ड जवानों की सेवा लेने से इनकार करने के बाद यूपी पुलिस के DGP OP सिंह ने कहा कि उन्हें बेरोजगार नहीं किया गया है, बल्कि कुछ समय के लिए ड्यूटी खत्म की गई है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बढ़े वेतन और बजट को देखते हुए किया गया है। हालांकि DGP ने स्पष्ट नहीं किया कि कब तक उनकी ड्यूटी नहीं लगेगी, तो ये बात DGP ने नहीं बताई है कि कब तक उन्हें ड्यूटी पर लिया जाएगा और कब तक उनकी ड्यूटी लगेगी। न्यूज 18 से बातचीत में DGP OP सिंह ने कहा कि होमगार्ड हमारी सुरक्षा का मजबूत स्तंभ है, वे किसी भी मायने में हमारे पुलिस के जवानों से कम नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनका दैनिक वेतन बढ़ाकर 672 रुपए कर दिया। दुर्भाग्यवश ऐसी स्थिति पैदा हुई कि हम फिलहाल ये मानदेय देने में असमर्थ हैं, जिसकी वजह से 25,000 जवानों को सेवा से हटा दिया गया है, उन्हें बेरोजगार नहीं किया गया है, अस्थायी रूप से उनकी सेवा हटा दी गई है। आने वाले समय में फिर से उनकी तैनाती पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जब शासन की तरफ से बजट की व्यवस्था होगी तब उन्हें ड्यूटी पर पुनः लाया जाएगा। तो ये थी दोस्तों होमगार्ड्स विभाग के लिए बड़ी अपडेट। DGP ने आश्वस्त किया है कि जैसे ही सब कुछ सही हो जाता है और ये पैसा देने में समर्थ हो जाते हैं तो उन्हें वापस बुला लिया जाएगा। तो ये थी आप सभी के लिए बड़ी अपडेट उत्तर प्रदेश होमगार्ड से।